नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। मैं गोलू बाबा और बात करने वाले हैं दोस्तों धनंजय धड़कन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, धनंजय धड़कन का एक सॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ था दोस्तों RCM कंपनी से, जिस कंपनी के मालिक हैं दोस्तों राकेश जी। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ धनंजय धड़कन का ये सॉन्ग पिया हो परदेश में कैसे रोज डोज बर्दाश्त करेला। ये सॉन्ग जब धनंजय धड़कन दिल्ली में गा के अपने घर गए और ये सॉन्ग जब बहुत ही काफ़ी हिट हो गया दोस्तों, उसके बाद RCM कंपनी के जो मालिक हैं राकेश मिश्रा जी, उन्होंने धनंजय धड़कन को कॉल किया कि धनंजय तुम अब दिल्ली आ जाओ, यहीं पे रहो, खाओ पियो, मस्ती करो और यहीं पे गाना गाओ। तो धनंजय धड़कन तो बहुत ही खुश हो गए दोस्तों, कोई भी खुश हो जाएगा दोस्तों इस बात को सुनने से। जब वो धनंजय धड़कन दिल्ली गए तो राकेश मिश्रा जी ने स्टेशन पे ही गाड़ी लगा के रखा था दोस्तों। जब उन्होंने गाड़ी लगा के रखा था, धनंजय धड़कन उतरे और तुरंत उनको गाड़ी में अपना बिठा के और तुरंत कोर्ट ले गए दोस्तों। धनंजय धड़कन ने बोला हम लोग कोर्ट क्यों आए हैं राकेश जी, तो उन्होंने बताया कि 2-4-5 गाने का कॉपीराइट करवाना है, जिस गाने में हमारा ही सिर्फ हक होगा और दूसरे का हक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी बहाने से राकेश जी ने, जो RCM कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया धनंजय धड़कन से 3 साल का दोस्तों। और वो जो एग्रीमेंट का पेपर है दोस्तों, वो धनंजय धड़कन को अभी तक नहीं मिला है, मैं बता दूं दोस्तों। और उनका कहना है दोस्तों कि जब तक अवधेश का फिल्म नहीं निकलेगा, तुम्हारा फिल्म कैसे निकल जाएगा, तुम्हारा फिल्म कभी नहीं निकलेगा। धनंजय धड़कन के पास 2-3 फिल्म का ऑफर भी आया दोस्तों। जब धनंजय धड़कन इस बात को लेकर गए RCM कंपनी के मालिक के पास और उन्होंने कहा कि सर ये थोड़ा आप लिख दीजिए कि ये 2-3 फिल्म कर रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्रीमेंट पेपर जब ला के दिए तो वो एग्रीमेंट पेपर भी फाड़ दिया राकेश जी ने दोस्तों। तो ये बहुत ही गलत हो रहा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उभरते हुए कलाकार को मंजिल उसको मिल सके, और धनंजय धड़कन का सपोर्ट करें दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें। उनका भी फिल्म एक दिन न एक दिन आएगा दोस्तों। जो बुरा करता है उसके साथ ऑटोमेटिक बुरा ही होता है दोस्तों। जी मैं बता दूं दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग के पास जाए और RCM म्यूज़िक का, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेने में जो कलाकार को धोखे में रख के एग्रीमेंट करवा देते हैं और जब एग्रीमेंट का पेपर मांगने जाता है तो उनको एग्रीमेंट का पेपर नहीं देते हैं। जब 3 साल गुजर जाता तो पता चलता 5 साल का एग्रीमेंट था, जब 5 साल गुजर जाता तब पता चलेगा 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 साल का एग्रीमेंट है दोस्तों। तो हम चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वीडियो सारे लोग देखें और धनंजय धड़कन को उनका हक मिल सके, उनको न्याय मिल सके दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। और धनंजय धड़कन का और कोई भी खबर होगा दोस्तों वो मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जो बहुत ही फ्री है दोस्तों, उसके लिए पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा सब्सक्राइब के लिए। और कोई भी मैं वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा दोस्तों सबसे पहले, बिना पैसे के, ये फ्री में होता है दोस्तों। जी मैं बता दूं दोस्तों आपको। जी दोस्तों, तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने मीठे मीठे बातों को धनंजय धड़कन के बारे में लिखें दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।